हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके साथ एक नया फ्लोर, नई जगह 18 मीटर रोड पे आपको एक फ्लैट दिखाने आया था मैं, और आपको पूरा दिखाता हूँ। आपको मेन इंट्रेंस पे आ गया हूँ, इंट्रेंस पे खड़ा हूँ। ये इंट्रेंस है, इंट्रेंस के बाद आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले किचन, बिकॉज 200 गज के अंदर इतनी बड़ी किचन, एक्चुअल में जो घर में जो लेडीज हैं उनको चाहिए होता है कि किचन अच्छी हो, बड़ी हो और ह्यूज हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो। तो आप देखो इसमें आपको पूरा जोश लगा हुआ है और आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। फिनिशिंग देखो पूरी एक्सेसरी के साथ लगा कर दे रहे हैं। उसके अलावा चिमनी भी तो आम नहीं लगाई हुई, 50,000 रुपये की चिमनी लगी हुई है, तो उसी से आपको पता लग जाएगा कि घर की क्वालिटी है कैसी। तो किचन से मैं स्टार्ट कर दिया मैंने आपको, स्विच बोर्ड जगह देख लो, फ्रिज डबल डोर का फ्रिज आता है यहाँ पे, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ा देखो चीज जो 200 गज की बनाई है ना, उसमें आप देखो किचन कितनी बड़ी है। उसके बाद 200 गज के अंदर में आप देखते हो आपको ड्राइंग रूम सेपरेट दिया, बिल्कुल अलग, बिल्कुल सेपरेट ड्राइंग रूम है। रोशनी आप देख रहे हो, प्रॉपर रोशनी आ रही है, वेस्ट फेसिंग में है ये, और 18 मीटर रोड सामने है, ये 18 मीटर रोड है। और आपको दिखा देता हूं आपको कि भी ड्राइंग और डाइनिंग इसी से आप लगाओ 200 गज में स्पेस इतना अच्छा निकाला है। अब आपको दिखाता हूं रूम, एक इस रूम है जो फ्रंट साइड पे खुलता है। जैसे मैंने आपको चिमनी बताई थी उसी हिसाब से आप ये देखो अलमीरा की, मतलब कि मॉडुलर गेट लगाए हैं, कोई हल्के नहीं लगाए ताकि टूटे ना। इसके बाथरूम के साइज देख लो, साइज अच्छे हैं, प्रॉपर साइज है। सैनिटरी फिटिंग बहुत अच्छी लगाई हुई है, जैगवार की सारी फिटिंग लगी है, जैगवार की। तो आप फिटिंग देखो, जैगवार की फिटिंग है, मॉडुलर आपको गेट नजर आ रहे हैं, और दरवाजे की क्वालिटी और पैनल की क्वालिटी, टीवी पैनल अलग से दिया हुआ है। अब आपको एक बेडरूम ये दिखा देता हूँ, वार्डरोब यहाँ लगी हुई है प्रॉपर। तो उसके अलावा इसका बाथरूम वही जैगवार की सारी फिटिंग है, ग्लास डोर तक भी लगा कर दिया हुआ आपको, तो टोटली फिटिंग अच्छी है। बाथरूम के कलर अच्छे हैं सारे, कलर को अच्छी तरह मैच किया हुआ है, और यूपीपीसी आप देख ही रहे हैं, ये कभी खराब नहीं होती, ना इसमें जंग लगता है, ना इसमें कोई दीमक लगती है। बैक साइड का एरिया कोर्ट यार्ड, तो मुझे लग रहा है कि 200 गज में जो स्पेस निकाला ना वो बहुत अच्छा निकाला हुआ है। मास्टर बेडरूम इसका, ये सो मास्टर बेडरूम कहेंगे, इसका एक टॉयलेट है ये, वो टॉयलेट आपको दिखा देते हैं आपको। और उसके अलावा रूम देख लो पूरा प्रॉपर, कबर्स बने हुए हैं, टीवी टोली है, बाथरूम का साइज ये भी साइज अच्छा है बाथरूम का। तो 200 गज के अंदर में और 18 मीटर रोड पे आपको, अब देखो चीज कितनी अच्छी निकाली है, मतलब मैं मानता हूं कि भी अच्छा स्पेस निकाला है और अच्छा काम किया हुआ है। सेक्टर 23 में खड़ा हूं मैं अभी, गुड़गांव के अंदर सेक्टर 23 है, उस मार्ग पे खड़ा हूं। तो दो एक मास्टर बेडरूम रूम, एक रूम और ड्राइंग बिल्कुल अलग से है, डाइनिंग बिल्कुल सेपरेट है, पूजा के लिए जगह निकाल दी गई है, किचन बहुत बड़ी निकाली है। तो मुझे नहीं लगता ये वर्थ रखता है, ये अच्छा खासा वर्थ रखता है, अच्छा खासा मुझे लग रहा है ये। मैं होस्टर को आपको अंडर वैल्यू दिला दूँ, आपको बिल्डर इसको जल्दी सेल करना चाह रहा है, तो आप मेरे से टच में रहो, नीचे आपको नंबर दिए होते हैं, आप उसे जरूर फुल कर लो। Thank you.